हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मलिक शाह गेमिंग टू डायनामोन्स वर्ल्ड। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिफीट करने वाले हैं क्लाडे को, जो कि आखिरी बॉस फाइट होने वाली है इलेक्ट्रिक टेंपल में, और हम उसे डिफीट करेंगे और इलेक्ट्रिक टेंपल को कम्प्लीट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैं 3 लेजेंडरी डायनामोन्स को लेकर जा रहा हूँ उसे डिफीट करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना बैटल। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमें कह रहा है यू विल नेवर डिफीट पैराडॉक्स, जो कि एवोल्यूशन है। यहाँ पे आप मेरे आइटम्स भी देख सकते हैं, मैं बहुत ही कम आइटम्स को यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक जो डायनामोन है जूमोक, वो लेवल 43 पे है, और बाकी ज़ाइडोनिक्स और ड्रैकी ये दोनों हैं लेवल 45 पे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये है फर्स्ट लुक ऑफ पैराडॉक्स, जो कि किटैने की एवोल्यूशन है। किटैने हमारी इलेक्ट्रिक टेंपल का लेजेंडरी डायनामोन है, और ये है एवोल्यूशन किटैने की, जो कि है पैराडॉक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम फायर टाइप से कर रहे हैं बैटल, जो कि इलेक्ट्रिक टेंपल के खिलाफ काफ़ी ताकतवर और टाइप एडवांटेज भी है हमें। तो देखिएगा, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम वोल्केनो का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी भी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, और ये डायरेक्ट हिट इसने इस्तेमाल की और हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेंपल का इलेक्ट्रिक टाइप का ज़्यादा जो अटैक है वो हम पे काम नहीं करने वाला। और यहाँ पे इसने हरिकेन इस्तेमाल किया, जिससे हमारे अटैक पावर थोड़ी कम हो चुकी है। हम भी हरिकेन यूज़ करेंगे और उसकी भी अटैक पावर थोड़ी कम करेंगे। जैसा कि आप उसके अटैक पावर देख सकते हैं कितनी अच्छी अटैक पावर है, और ये बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिक ड्रैगन है, इलेक्ट्रिक लेजेंडरी डायनामोन है। और एक और न्यूज़ भी है कि हमारे डायनामोन्स वर्ल्ड में एक और न्यू एरिया आने वाला है, जिसका नाम होने वाला है ट्रेजर केव। वो हमें कब तक देखने को मिलेगा इसके बारे में हम अभी तक डायनामोन्स की तरफ से कोई अपडेट देखने को नहीं मिली फेसबुक पेज पे उनके। और बाकी जो जहाँ तक बैटल की बात है, तो हमारी बैटल अभी तक चालू है, और यहाँ पे हमने अभी तक पैराडॉक्स को नहीं हराया। पैराडॉक्स को हराने में हमें काफ़ी टाइम लग चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हिप्नो होने के बाद भी इसके हमले बैकफायर नहीं हो रहे। तो यहाँ पे इसका पहला पैराडॉक्स आ चुका है, और यहाँ पे ये ले आया है एपाटाइट को। तो यहाँ पे हम इसे पॉइजन बाइट लगा देंगे। पॉइजन बाइट लगाने के बाद हम यहाँ पे अपने डायनामोन चेंज करके ज़ाइडोनिक्स को ले आएंगे, या फिर हम जुमो को रखते हैं। तो मेरे ख्याल से तो हमें जुमो को रखना चाहिए, तो हाँ हम जुमो को ले आएँगे, क्योंकि जो हमारा होता है वाटर टाइप, वो डार्क टाइप के ख़िलाफ़ पावरफुल होता है, तो इसलिए हमने जुमो का इंतखाब किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जुमो का भी 43 लेवल पे है, और यहाँ से हमें इससे फाइट करेंगे एपाटाइट से जुमो के साथ। और यहाँ पे आप देखें हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और पॉइजन बाइट से भी हमें अच्छा खासा फ़ायदा पहुँच चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दो बार वाटर ब्लास्ट इस्तेमाल किया है, और हमें अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचा है। और अब हम देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि हमारी जुमो की जो पावर लेवल है वो भी कितना कम हो चुका है। और यहाँ पे हम टेंटिकल ग्रिप का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उसने नाइटफॉल का इस्तेमाल किया है ताकि हमारी एमिंग कम हो जाए, लेकिन इसको नुकसान हो रहा है पॉइजन बाइट की वजह से। और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है फ्रोजन मिस्ट, जिससे उसकी अटैक पावर कम हो चुकी है। अब ये नाइटफॉल इस्तेमाल करेगा तो पॉइजन बाइट की वजह से उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगा। तो जी हाँ, इसका सेकेंड डायनामोन भी ख़त्म हो चुका है, इसका थर्ड डायनामोन जो है वो है जूमुक। और यहाँ पर हम इसे पॉइजन बाइट लगा देंगे। ज़ाइडोनिक्स हमारे पास, ज़ाइडोनिक्स है उसके पास है जूमुक, जुमो के पास रिवाइव है, जो कि एक अच्छा मूव है। और अभी हमें जुमुक से फाइट करनी है, तो हमारे पास टाइप डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी। काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है हमें हमारे ज़ाइडोनिक्स को। चलिए हम हरिकेन इस्तेमाल करके उसकी अटैक पावर कम कर देंगे। और यहाँ से उसने टेंटिकल ग्रिप का इस्तेमाल किया और हमें सिक कर दिया, पॉइजन बाइट लगा दिया उसने हमें। तो यहाँ पर हम इन रेज का इस्तेमाल करते हैं, रेज रूट का। अब देख सकते हैं कि मैंने अभी तक सिर्फ दो डायनामोन्स को हरा दिया है, और अभी तक मैंने सिर्फ एक ही आइटम इस्तेमाल की है। यहाँ पे उसने ब्लिजर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जिसे हमारा डिफेंस जो है वो कम हो चुका है। तो यहाँ पे हम हॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इसे हिप्नो लग चुका है, देखते हैं हिप्नो से हमें कुछ फ़ायदा पहुँच जाएगा या नहीं। तो फिलहाल तो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। ब्लिजर्ड का इस्तेमाल उसने फिर से किया, और वो फिर से कामयाब हुआ अपने वार करने में। और यहाँ पे हम देखते हैं कोई फ़ायदा पहुँचेगा। जी हाँ, इसका एक जो अटैक है वो बैकफायर्ड हो चुका है, और इस तरह अगर इसके सारे अटैक बैकफायर्ड होते रहें तो हमें फ़ायदा पहुंचता रहेगा। तो हमें अब डायनामोन स्विच कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम जूम को रख लेंगे, और जल्दी से हम ब्लिजर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका डिफेंस जो है वो बहुत ही कमज़ोर पड़ जाए। और यहाँ पर वो फ्लैश इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी ये बैकफायर्ड हो गया। हम भी फ्लैश इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा डैमेज हो गया, तो उसका फिर से बैकफायर हो गया। तो ब्लिजर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और उम्मीद है कि जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग जीत चुके हैं और हमने इलेक्ट्रिक टेंपल को कंप्लीट कर लिया है।
और आपसे भी एक गुजारिश है कि आप भी एक चीज़ कंप्लीट कर लें, हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में हमारी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे हमें हिंट दे रहा है कि आपको किटैने जो है वो कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो वो आपको रॉक एरिया में देखने को मिल जाएगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसके बारे में अपलोड कर दी है, मैंने किटैने कहाँ पकड़ा था, जल्दी से जाकर उसे देखें और लाइक कर दें। अगली वीडियो तक।